देश के लगभग सभी मंदिरों का रख रखाव पुजारी ही करते हैं, ये तो गाइस आप लोग को जरूर पता होगा। लेकिन देश में एक ऐसा मंदिर जहाँ की देखभाल पुजारी नहीं बल्कि देश के जवान करते हैं। जी हाँ गाइस, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में स्थित हनुमान टॉक मंदिर और इसकी बगीचे की रख रखाव की जिम्मेदारी भारत की सेना पर है। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं, तो वीडियो के एंड तक रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस, आज मेरा सेकंड डे है यहाँ पे गैंगटॉक सिक्किम में, एंड आप वेदर देख सकते हैं, इट्स बहुत ब्यूटीफुल वेदर है आज। और मैंने खुद के लिए एक गर्मा गर्म चाय बना लिया है और आज का प्लानिंग कर रहे हैं फिलहाल अभी। और गैंगटॉक में जो एमजे मार्ग है यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और गाइस, सुबह सुबह मेरे रूम से बाहर आप ब्यूटीफुल मॉल रोड का व्यू देखिए, आज वेदर काफी क्लियर और अच्छा है। और जैसे कि आप लोग मुझे देख सकते हैं, मैं रेडी हो गई हूँ। सो गाइस, आज मेरा गैंगटॉक सिक्किम में डे टू है और आज हम लोग यहाँ का लोकल साइट सीन करेंगे। लोकल साइट सीन में गैंगटॉक का गणेश टॉक, हनुमान टॉक, कंचनजंगा व्यू, मोनेस्ट्री एंड नर्सरी देखेंगे। तो पहले तो हम लोग गाड़ी ठीक कर लेते हैं क्योंकि हम लोग अपना गाड़ी लेके आए हैं, बट थोड़ा मुश्किल भी है क्योंकि सारा जगह हम लोग को ठीक से नहीं पता, इसीलिए हम लोग यहाँ से टैक्सी लेंगे। और बात कर रहे हैं शायद यहाँ पे जितनी भी जगह है सब जगह विजिट करने के लिए 1500 लेंगे। सो ठीक है, पहले देखेंगे कहाँ कहाँ जाएंगे। रियली गाइस, गैंगटॉक मॉल रोड काफ़ी ब्यूटीफुल है, यहाँ का नाइट का व्यू तो कुछ और ही है, रात में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर घूमकर। और दिन में भी देख सकते हैं कितना क्लीन है, ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर हर जगह में ऐसे फ्लावर पॉट रखा गया है जो कितना अच्छा लगता है ना। यहाँ पे प्लास्टिक बैंड है, पान गुटखा खाकर यहाँ पे थूक फेंकना तो पेनल्टी लग गएगा गाइस, सो बी केयरफुल। मॉल रोड में काफी अच्छी तरह से पेट पूजा करने के बाद हम लोग अपना टैक्सी में बैठ गए हैं गाइस। आज सारा गैंगटॉक का लोकल साइट सीन करेंगे और टैक्सी का प्राइसेस मैं बता देती हूँ गाइस। आप आराम से गैंगटॉक मॉल रोड से टैक्सी ले सकते हो, उसका प्राइस 1200 से 1500 तक पड़ता है, आप कम ज्यादा कर सकते हो। मैं पहुंची हूं अभी हनुमान टॉक पे और अभी हम लोग का गाड़ी पार्किंग कर दिया है और हम लोग पहले शूज निकालेंगे यहाँ पे, उसके बाद ही हम लोग को वहाँ जाने देगा क्योंकि हनुमान भगवान का यहाँ पे मंदिर है। सो यहाँ पे पहले हम लोग को शूज निकालना पड़ेगा, सो मैंने भी शूज निकाला और रख दिया वहाँ पे। ये मंदिर सबसे शांत मंदिर में से एक है, ये एक ऐसे स्थान पर है जहाँ प्रदूषण का नामो निशान तक नहीं, आप लोग खुद देख सकते हैं क्योंकि यहाँ का आर्मी जवान देख रेख करता है। और इस सीढ़ी से हम लोग जाएंगे ऊपर। एक्चुअली ये मेन गेट नहीं है, मेन गेट उस तरफ है, लेकिन हम लोग ने जहाँ पर अपना शूज रखे थे उस तरफ से भी ऊपर मंदिर तक जा सकते हैं। ये मंदिर इंडियन आर्मी की देखरेख में है, इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल का भी काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं ऊपर में घंटी जो है वो भी लाल कपड़ा से बंधा हुआ है, और ये सब हम लोग की सेफ्टी के लिए है गाइस। सात हजार 200 फीट ऊंचाई पर स्थित हनुमान टॉक मंदिर का देखभाल 1968 में भारतीय सेना को सौंपी गई थी। यहाँ का लोकल्स बिलीव करते हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो कुछ देर के लिए यहाँ पर विश्राम किया था, और ये मंदिर अपने मनोकामना पूर्ति के लिए भी माना जाता है।
ये मंदिर श्री राम लक्ष्मण माता सीता और हनुमान जी को डेडिकेट करता है। अंदर में बजरंगबली का मूर्ति है लेकिन कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए मैं आप लोग को नहीं दिखा पा रही हूँ। ठीक हनुमान जी के मंदिर के फ्रंट में आपको श्री राम का मंदिर भी दिखाई देगा, तो आपको जरूर जाना चाहिए। और देखिए गाइस, यहाँ से कंचनजंगा का काफी खूबसूरत व्यू आपको दिखाई देगा। सो गाइस, मैं हूँ हनुमान टॉक में और यहाँ से कंचनजंगा का व्यू देखिए। और यहाँ पर फोटो तो जरूर खींचेगा गाइस, काफी ब्यूटीफुल व्यू है। अगर आप अकेले भी आए हैं तो किसी को बोलने से एक फोटो तो जरूर खींच देगा। सच में गाइस, अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो मन तृप्ति से भर जाएगा, इतना शांत जगह है। माना जाता है कि 1950 में इस क्षेत्र में तैनात एक सरकारी अधिकारी ने अपने सपने में देखा कि बजरंगबली ने उसे यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए निर्देश दिया था। चलिए गाइस, आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग में दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं श्री राम के जन्म से लेकर रावण को कैसे मारा, सारा स्टोरी दिखाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं श्री राम और माता सीता का वनवास को दिखाया गया है और यहाँ पर कैसे रावण को मारा था और यहाँ पे कैसे बजरंगबली को श्री राम जी का मिलन हुआ था वो भी दिखाया गया है। यहाँ से कंचनजंगा का व्यू देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा कैमरा में ठीक से नहीं आ रहा है मुझे पता है, क्योंकि गाइस मेरा जो मोबाइल है वो खराब हो गया और कैमरा वो और मतलब उसका बैटरी नहीं लाया, सो अभी उपाय नहीं है। मेरे पास जो एक्स्ट्रा मोबाइल था वही से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। रियली गाइस, यहाँ पे आके हनुमान टॉक पे मन तृप्ति से भर गया है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम लिमिट है। यहाँ पर एक काफी खूबसूरत सा भजन लगा के रखा था लेकिन कॉपीराइट आ सकता है गाइस, इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया। सो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग अभी जाएंगे गणेश टॉक और नर्सरी देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।